वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम बजाज एंड वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन टू द सेगमेंट ऑफ 160 cc, वो की है पल्सर N160 का लेटेस्ट कलर, जो कि स्काई ब्लू वाला कलर एडिशन है जिसमें नियॉन स्ट्राइप्स आता है। थर्ड गियर थ्रॉटल ओपन किया, 9000 rpm, जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ N160 न्यू कलर एडिशन एंड इंजन भी बहुत तरक्की वाला है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फिलहाल आई थिंक आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया है को आज को है मेरे सामने स्पेशल गाड़ी, बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम बजाज एंड वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन टू द सेगमेंट ऑफ 160 cc, वो की है पल्सर N160 का लेटेस्ट कलर, जो कि स्काई ब्लू वाला कलर एडिशन है जिसमें नियॉन स्ट्राइप्स आता है। तो ये स्पेशल कलर है, तो यहाँ पे देख पाओगे ये न्यू कलर है पल्सर N160 का। तो इसी का आज को अपन रिव्यू करेंगे अपना अंदाज में और आपको बताऊंगा कि क्यों मार्केट पर ये स्टैंड करता है, क्या सब नया फीचर्स है। तो बोल सकते हो काइंड ऑफ ये 2024 मॉडल है पल्सर N160 का, जिसमें इथेनॉल 20 एंड OBD2 भी आता है। तो सबसे पहले देख पाओगे यहाँ टैंक पोर्शन में आपको E20 का ब्रांडिंग मिलेगा और स्पेशली ये वाला जो ब्लू कलर का जो नया कलर लॉन्च किया गया है पल्सर N160 में, जो कि जबरदस्त लगता है। तो चलो एक चीज़ बोलूँगा, इतना जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाओ ताकि आप लोगों को डेली कंटेंट मिलता रहे मेरे चैनल के तरफ से, एंड मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड फील करूँगा तब और ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए आ पाएगा। तो सबसे पहले जो स्पेशल चेंजेस देख पाओगे है वो है कलर। तो हाँ भाई, यह है 2024 मॉडल ऑफ बजाज पल्सर N160 विथ इथेनॉल 20 एंड OBD2 का न्यू कलर। आई थिंक आप देख पाओगे तो ये है स्काई ब्लू वाला कलर एडिशन, जो कि बजाज ने हाल ही में लॉन्च किया है। एंड कुछ दिन पहले ही मैंने पल्सर N160 का व्हाइट वाला कलर वेरियंट चलाया है, आई थिंक आपने वो भी देखा होगा। तो यहाँ पे देख पाओगे लुक्स के मामले में बोला जाए तो वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग 160 cc का बाइक लगता है। आप कोई भी एंगल से देखो, फ्रंट से देखो, बैक से देखो, इट लुक्स लाइक अ प्रेडेटर। तो सामने वाला लुक आई थिंक देख पाओगे। तो स्पेशली ये जो ब्लू कलर है, बोल सकते हो काइंड ऑफ बेस्ट कलर लगता है मुझे पल्सर N160 के लिए। एंड ये जो कलर है बहुत ही यूनिक कलर है और कोई अदर ब्रांड 160 cc या 150 cc में ऐसा कलर ऑफर नहीं करता है। तो हैट्स ऑफ टू बजाज फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच अ स्वीट एंड सोबर कलर फॉर पल्सर N160 विच लुक्स ग्रेट एंड ब्यूटीफुल इन दिस सेगमेंट, तो यही बोलना चाहूँगा। तो कलर के मामले में आई थिंक आप देख पाओगे तो फ्रंट में अगर हम लोग देखते हैं तो फ्रंट में ऑफकोर्स आपको देखने को मिलेगा स्काई ब्लू वाला कलर एडिशन, जिसमें नियॉन एंड वाइट का स्ट्राइप्स दिया गया है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। एंड फ्रंट में ऑफकोर्स आपको देखने को मिलता है ऑल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ LED DRLs, एंड यहाँ पे आपको बाईफोकल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा जिसका इल्यूमिनेशन नाइट में जबरदस्त है। एंड आई थिंक आप देख पाओगे तो फ्रंट में ऑफकोर्स आपको LED हेडलैम्प भी मिलता है। एंड सामने आपको ऑफकोर्स मिलेगा 37mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, तो कोई USD नहीं है लाइक इसका जो छोटा भाई है पल्सर NS160 या हीरो XT164 भी। तो नॉर्मल 37mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है विच डज द पर्पज प्रीटी वेल। एंड फ्रंट में देख पाओगे जो फ्रंट वाला मडगार्ड है, इसमें भी थोड़ा सा ग्राफिक्स के लिए और अच्छा लग रहा है देखने में। देखो यहाँ पे ब्लैक कलर है एंड ऊपर पार्ट ऑफ द जो मडगार्ड है उसमें जो न्यू कलर दिया गया है स्काई ब्लू विथ नियॉन स्ट्राइक्स, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये गाड़ी का जो कलर है ना, सच बोलूं जबरदस्त लग रहा है। एंड फ्रंट में देख पाओगे यहाँ पे ऑफ कोर्स डुअल चैनल ABS का ब्रांडिंग मिलेगा और इसमें डुअल चैनल ABS आता भी है। एंड इसमें आपको ग्रिमिका कैलिपर देखने को मिलेगा। एंड ये सेगमेंट का पहला गाड़ी था 160 cc में जिसमें आपको 300mm का प्रॉपर बिग साइज डिस्क ब्रेक मिलेगा, जो कि जबरदस्त बात है। तो यहाँ पे देख पाओगे 300mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। अभी फिलहाल इसका भाई NS160 में भी आता है। एंड यहाँ पे देख पाओगे ABS का रिंग है। एंड सामने वाला जो टायर है 17 inches का टायर है, जिसका साइज है भाई 100x80 17 inches का टायर, जो कि सही बात है। एंड देखोगे एलॉयस पे भी ये वाला कलर का मार्किंग दिया गया है, आई थिंक आप देख पाओगे तो अच्छा लग रहा है। ओवरऑल डिजाइन बहुत सही लग रहा है। एंड पीछे वाला टायर्स का बात करें तो भाई पीछे वाला टायर्स ऑफ कोर्स आपको देखने को मिलेगा 130 सेक्शन का, कोई रेडियल नहीं है। तो 160 सीसी के लिए ये टायर ठीक है, हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर रेडियल होता लाइक MRF Rivzi तो और अच्छा मजा आता। एंड पीछे वाला डिस्क ब्रेक का साइज है 230mm का विद ABS रिंग, तो ये प्रॉपर डुअल चैनल ABS है। और एक चीज अच्छा लगता है कि बजाज इसमें यूज करता है प्रॉपर स्टील बेडेड लाइन, जो कि बहुत अच्छा बात है। आई थिंक आप देख पाओगे तो इसमें प्रॉपर आपको स्टील बेडेड लाइन मिलेगा एंड विथ ABS का रिंग, तो डुअल चैनल ABS आता है। तो चलो ये कलर आई थिंक आप लोग देख पाओगे इन पर्सन, सच बोलूं तो रियल में और बेटर लग रहा है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं द हार्ट ऑफ द मैटर, इंजन। तो इंजन है 162 cc का एक्चुअल क्यूबिक कैपेसिटी। तो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे ब्रांडिंग दिया गया है DTSI, मतलब डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन सिस्टम। तो इसमें 2 spark plug है एंड ये ऑफकोर्स ऑयल कूलर के साथ आता है। तो ये 2 valve वाला इंजन है, SOSC सेटअप, मतलब सिंगल ओवरहेड कैम प्रोफाइल, जो मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करता है 15.68 bhp एंड टॉर्क है 14.65 Nm का टॉर्क, जो कि एफिशिएंट है और बोला जाए तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि 2 valve इंजन में इतना पावर आउटपुट देना बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छा बात है। तो ऐसा ही कुछ सीन है।
एंड फिलहाल टैंक पोर्शन में देख पाओगे इधर से जो पल्सर का 3D एम्बलम वाला लोगो है एंड टैंक के साथ जो ये पैनल है इसका फिट फिनिश मुझे पहले से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि NS200 RS200 का आई थिंक आपको फिट फिनिश पता है कि बजाज उसमें क्या करता है, तो यहाँ पे जो फिट फिनिश है बहुत ज़बरदस्त है आई थिंक आप देख पाओगे। एंड यहाँ पे E20 का ब्रांडिंग मिलेगा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर्स का जो कि पल्सर NS160 से भी ज़्यादा है, इवन अपाची RTR 164V से भी ज़्यादा है एंड इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी Hero XT 164V से भी ज़्यादा है, तो ऐसा ही कुछ बात है फिलहाल देख पाओगे। तो माइलेज के बारे में बात करें तो आराम से ये गाड़ी अगर प्यार से चलाते तो 50 प्लस का माइलेज देगा, एंड इवन कस्टमर भी बोल रहा है, जो कस्टमर फीडबैक है वहां से भी इनको माइलेज आराम से 50 तक का मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा बात लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स 2 वेल्व इंजन है तो इतना तो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड यहां पे देख पाओगे आपको यहां पे कोई बाहर निकला हुआ एग्जॉस्ट नहीं मिलता है, छोटा सा स्टबी मतलब आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है जिसका साउंड जबरदस्त है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा साउंड चला के भी दिखाऊंगा। एंड यहां पे देख पाओगे सीट पैनल के नीचे जो N160 लिखा हुआ है ना ब्लू कलर में जबरदस्त लग रहा है, स्पेशली ये जो कलर है पल्सर N160 का न्यू लॉन्च है बोल सकते हो, काइंड ऑफ 2024 मॉडल ऑफ पल्सर N160 इथेनॉल 20 एंड OBD2। एंड चलो सीट हाइट के बारे में बात करें तो सीट हाइट आता है नियर अबाउट 800 mm के आसपास, तो जैसे मेरा हाइट देख पाओगे 5'8" का है तो मेरा दोनों पैर आराम से पहुंच रहा है, कोई इशूज नहीं हो रहा है, तो दोनों पैर मेरा आराम से पहुंच रहा है, तो कोई एवरेज सीट हाइट राइडर होगा वो भी आराम से चला पाएगा। एंड बजाज इसको बोलता है इन्फिनिटी डिस्प्ले, तो इसमें भी बहुत सारा फीचर्स है, तो इसमें कोई क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं आता है लाइक पल्सर NS160, तो इसमें आपको सिंगल पीस हैंडल बार मिलेगा लेकिन स्लाइटली लीन्ड इन पोजीशन है, मतलब देखो ये वाला मेरा नॉर्मल है ठीक है, मैं थोड़ा सा लीन्ड इन हूँ, मतलब ये वाला मेरा नॉर्मल सीटिंग पोस्चर है, थोड़ा सा लीन्ड इन हूँ क्योंकि पल्सर मीन्स स्पोर्टीनेस, तो ये आपको हमको पता है, तो पल्सर का नाम सुनते हैं थोड़ा स्पोर्टीनेस का फीलिंग पता चलता है, तो ऐसा ही कुछ सीन है। तो मोर ऑर लेस जो भी फीचर्स था भाई लोग आई थिंक आपको मैंने बता दिया है, थोड़ा सा टेस्ट साइड लेंगे और बताएंगे कि ये चलने में कैसा है, लेकिन उसका पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा कि स्पीडोमीटर कंसोल में क्या सब फीचर्स आता है, तो एक बार देखो, तो अगर स्पीडोमीटर कंसोल ऑन करते हैं तो बजाज इसको बोलता है इन्फिनिटी डिस्प्ले, तो इसमें आपको एक टैकोमीटर मिलेगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, ये सब आपको जो बेसिक फीचर्स है वो आपको मिलेगा, ऐसा आई थिंक आप देख पाओगे, तो जो कि अच्छा बात है। यहाँ से अगर हम लोग चेंज करते हैं तो ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, आपको टाइम, गियर पोजीशन इंडिकेटर, एवरेज किलोमीटर पर लीटर कितना है ठीक है, आपको ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलेगा जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिक जो फीचर्स है वो आपको मिलेगा दो, इसमें आपको कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स अनलाइक अपाची और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट अनलाइक Hero XT 4V, वो सब नहीं मिलेगा इसमें आपको। देखो मतलब टैंक के सामने आपको मिलेगा मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, तो ऑन द गो आप यहाँ पे मोबाइल को माउंट करके चार्ज भी कर पाओगे, तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो सो फार सो गुड भाई लोग, एंड एक बार लुक देखो भाई, लाजवाब लुक है, फ्रंट से भी देखो इट इज़ लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर। तो चलो जो भी फीचर्स था जो भी पॉइंट्स था मैंने बता दिया है, चलो थोड़ा राइड रिव्यू लेके देखते हैं एंड देखते हैं कि ये मार्केट पे कहाँ स्टैंड करता है एंड फील फैक्टर भी कैसा है। एंड एग्जॉस्ट नोट सुनो आप लोग, पल्सर N160 ब्लू कलर एडिशन, तो भाई एग्जॉस्ट नोट तो बहुत स्मूथ है। चलो थोड़ा सा टेस्ट राइड लेते हैं एंड एक चीज़ स्ट्रेट अवे जो हमें तुरंत फील होता है भाई वो है N160 का स्मूथ गियर बॉक्स। तो भाई सच बोल रहा हूँ भाई, बजाज ने क्या काम किया आई थिंक आप देख पाओगे, तो चलने के मामले में ज़बरदस्त है भाई, मतलब क्या ही मतलब गियर बॉक्स बनाया है एंड क्लच का जो फील है ज़बरदस्त है भाई, मतलब एंड लो एंड पिकअप सही है। तो क्यों भाई ये बोला जाए तो 160cc में एक वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग है फ्रॉम बजाज, दो इट्स एंड हैविंग अ 2 वेल्व इंजन एंड अदर मैन्युफैक्चरर्स जो है अभी फिलहाल सब कोई 4 वेल्व इंजन पे फोकस कर रहा है, लेकिन ये बजाज का क्यों ऐसा गाड़ी है जो 2 वेल्व होने के बाद भी 4 वेल्व को टक्कर देता है या परफॉर्मेंस इतना स्मूथ है। तो देख पाओगे ये न्यू कलर एडिशन आई थिंक आप देख पाओगे टैंक्स पे जो कलर है ब्लू कलर वाला बोला जाए तो सबसे बेस्ट एंड सोबर कलर है पल्सर N160 के लिए आई थिंक आप देख ही पाओगे वीडियो फ्रेम में। एंड चलाने के मामले में क्या पिकअप है भाई, लुक एट द थर्ड गियर, थ्रॉटल ओपन किया 9000 RPM, जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ N160 न्यू कलर एडिशन एंड इंजन भी बहुत अट्रैक्टिवल है भाई, क्या परफॉर्मेंस है भाई, सच मानना पड़ेगा ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ N160। तो चलो अब चलो नॉर्मल हम लोग बातचीत करते हैं, इंजन इतना ज़्यादा स्मूथ है ना क्या बात करूँ, आई थिंक आपने देखा होगा मैंने ऑलमोस्ट 9500 RPM हिट किया था फिर भी गाड़ी बटर स्मूथ था भाई, कोई वाइब्रेशन ही नहीं फील हुआ, मतलब देख सकते हो स्पेशली जो N सीरीज का गाड़ी है बोला जाए N150, N160 या N250 या F250 बहुत स्मूथ गाड़ी है भाई, मतलब बजाज ने सच में इंजन का जो फिटमेंट किया है ना ज़बरदस्त किया, आई थिंक आप देख ही पाओगे, तो चलाने के मामले में ज़बरदस्त है। एंड इसका मार्केट में कुछ बाइक्स के साथ कंपटीशन है मैं आपको बोलता हूँ, एक तो इसका खुद का भाई के साथ ही है पल्सर NS160 एंड और एक है Hero XT 164V एंड बोल सकते हो एक है अपाची RTR 164V, तो ये कुछ बाइक्स के साथ इसका कंपैरिजन है। तो चलो अब यहाँ से थोड़ा घूमते हैं भाई क्योंकि यहाँ पे रास्ता कम है एंड थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे, तो टर्निंग रेडियस भाई आई थिंक आप देख पाओगे टर्निंग रेडियस इज डिसेंट एनफ गुड। तो एक चीज़ बोलूँगा
चलाने के मामले में ज़बरदस्त है। मतलब टू वेल्व इंजन का नेचर क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। टू वेल्व इंजन का जो नेचर होता है जनरली, मतलब लो एंड सेंट्रिक होता है, मीटर जिसका स्टूपेंडस, मतलब जैसे 3000 RPM जा रहा है, जबरदस्त पिकअप फील हो रहा है, ये तो बोलना पड़ेगा। मैंने कुछ दिन पहले आई थिंक आप देख पाओगे हीरो एक्सट्रीम 164 भी चलाया है, अपाची एटीआर 164 भी चलाया है, लेकिन जिस तरह से इसका लॉन्च पिकअप फील होता है ना, उस तरह से वो फील नहीं होता। हाँ, दो ये बोलूंगा अगर लॉन्च किया जाए तो ऑफकोर्स हीरो एक्सट्रीम 164 भी आगे रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो फास्टेस्ट बाइक है इन टू द सेगमेंट ऑफ 160cc। एंड अगर बोला जाए तो पल्सर NS 160 है, उसका भी ठीक ठाक है पिकअप, वो भी 4-valve इंजन है, लेकिन इसका भी लो एंड पिकअप जबरदस्त है। मैंने कुछ रेसेस देखा यूट्यूब में जहाँ पे NS 160 को N 160 टक्कर दे रहा भाई। न्यू अवतार, ऑफकोर्स इसमें BS6 स्टेज 2 कंप्लाइंट इंजन आता है, एंड काइंड ऑफ बोल सकते हो BS7 इंजन ऐसा ही कुछ सीन है। एंड चलाने के मामले में जबरदस्त है, हॉर्न फीबल है, एंड सीटिंग एर्गोनॉमिक्स बहुत कंफर्टेबल भाई, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बस बोला जाए तो स्लाइटली लीन इन पोजीशन है, जैसा कि देख पाओगे मैं भी नॉर्मल बैठा हूँ, नॉर्मल यहाँ पे होता स्लाइटली लीन इन पोजीशन है तो ठीक है, उतना भी ज़्यादा डेडिकेटेड सीटिंग पोस्चर नहीं है लाइक RCs और R15s, इजी सीटिंग पोस्चर है। तो देख पाओगे जबरदस्त लगा मुझे चला के, एंड डाउन सीट इंजन ब्रेकिंग क्या हो रहा भाई, मैं कभी बजाज के बाइक के लिए डाउन सीट करूँगा ये सोचा नहीं था। तो देखोगे चलाने के मामले में जबरदस्त है, लो एंड पिकअप बहुत सब सही आ रहा है भाई। एंड टायर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ब्रॉडर टायर मिलेगा, मतलब 100x80 सेक्शन का 17 इंचेस का टायर मिलेगा, जो कि NS 160 में भी आता है, हीरो XT 164 में भी आता है, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अपाची RTR 164 में आपको 90x90 17 इंचेस का टायर मिलेगा, तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग है। एंड पीछे टायर के बारे में बात करते हैं, NS 160, N 160, XT 164 भी एंड RTR 164 भी, तीनों में आपको प्रॉपर 130 सेक्शन का टायर मिलेगा, आई थिंक आप देख ही पाओगे और आपको पता भी होगा। तो चलाने के मामले जबरदस्त है भाई। एंड देखो यहाँ पे क्या पिकअप है भाई, मतलब 70-80 इज अ पीस ऑफ केक। एंड डाउनशिफ्ट देखो, सेकंड गियर फर्स्ट गियर देख रहा हूँ, इंजन मेकिंग किया पता भी दिखने लगा, इतना स्मूथ है भाई, मतलब क्या बोलूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बजाज NSRS को भी थोड़ा अपग्रेड कर दे, मतलब 200 को इंजन के बारे में इतना स्मूथ हो जाए तो और अच्छा रहेगा। चलाने के मामले में क्या फील फैक्टर है भाई, राइडिंग क्वालिटी बहुत है, मतलब लो एंड पिकअप बहुत सही है। मतलब इस ये वाला बाइक में पर्टिकुलरली 85-90 इज अ पीस ऑफ केक, क्योंकि तुरंत थ्रॉटल करोगे ये एक्सलेट कर देगा। हाँ, क्योंकि ये लो एंड एंड मिड रेंज सेंट्रिक ही बनाया गया है। अगर इसको टॉप एंड चेक करोगे तो टॉप स्पीड अगर नियर अबाउट इसका 121-123-124 के आसपास इसका टॉप स्पीड है, जो कि थोड़ा कम है बोला जाए तो TVS अपाची RTR 164 भी एंड NS 160 से थोड़ा सा, या बोल सकते हो हीरो XT 164 भी से भी, क्योंकि ये ऑफकोर्स 2-valve इंजन है, तो हम लोग को पता ही होगा कि 2-valve इज मेड फॉर लो एंड पिकअप एंड ग्रेट मिड रेंज। तो चलने के मामले में भाई जबरदस्त, आई थिंक आप देख पाओगे। गियर शिफ्ट क्या मक्खन है, देखो थर्ड गियर है, फोर्थ गियर लग गया, क्लचलेस अब शिफ्ट किया, एंड थोड़ा देर में 5000 RPM 6000 RPM एंड फिफ्थ गियर लग गया, मतलब इतना ज़्यादा बटर स्मूथ इसका इंजन है भाई। सच बोलूँगा बजाज ने क्या ही काम किया भाई गियर बॉक्स पे। देखो दो इसमें आपको 2-valve इंजन मिलेगा, परफॉर्मेंस लेकिन एडिक्वेट है। इसका जो परफॉर्मेंस है ना, मतलब क्या है, लो एंड पे फोकस है, मिड रेंज पे फोकस है। जैसे ये टॉप एंड जाता है, मतलब टॉप स्पीड की तरफ थोड़ा सा पावर ये फ्लैट एंड हो जाता है, जो कि इसका नेचर है, हम लोग इसमें कंप्लेन नहीं कर सकते। दो ये आराम से 100-510 क्रॉस करता है, ये मैं बोलूँगा, मैंने पर्सनली चलाया भी है, इट्स अ गुड बाइक। एंड एक चीज बोलूंगा, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करें तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि बजाज का स्पेयर पार्ट्स का जो कॉस्ट है सबसे कम है भाई, कोई इश्यूज नहीं है। तो आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करें तो बजाज का आपको सर्विस सेंटर या जो एजेंट्स होते हैं या डीलर्स होते हैं आपको हर जगह मिलेगा। तो यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी इस व्हीकल का जबरदस्त है, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। देखो ये गाड़ी किसके लिए, अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जिसको 160cc का गाड़ी चाहिए, एफिशिएंसी मैटर करता है एंड डिसेंट इनफ एडिक्वेट परफॉर्मेंस चाहिए, देन NS 160 से भी मैं बोलूंगा, या RTR 164 भी या हीरो XT 164 भी से भी N 160 स्टिल अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें माइलेज एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो इसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मिलेगा, आई थिंक आप देख ही पा रहे हो। एंड ऑफकोर्स आप सुनोगे भी कि कस्टमर फीडबैक से ये गाड़ी आराम से 51 तक का माइलेज देता है, या 55 भी दे सकता है अगर पैर से चलाओगे भाई। डाउन शिफ्ट क्या हो रहा भाई, क्या गियर बॉक्स है, मैं सच बोलूंगा इसका जो गियर बॉक्स है, मतलब मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द बेस्ट गियर बॉक्स इन टू द सेगमेंट ऑफ 160cc। कोई भी 160cc का गाड़ी ले लो, इसका गियर बॉक्स नेक्स्ट लेवल है। एंड इवन मेरा बाइक आपको पता होगा NS 200 है, उससे भी इसका गियर बॉक्स स्मूथ है। तो सोचो बजाज ने क्या ही काम किया भाई गियर बॉक्स में, आई थिंक आप देख पाओगे। तो जबरदस्त गियर बॉक्स है भाई, चलाने के मामले में मुझे पर्सनली अच्छा लगा। दो इट इज़ नॉट हैविंग अ ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट स्टिल इट इज़ हैविंग दैट परफॉर्मेंस, दैट बेटर परफॉर्मेंस, दैट बेटर इंजन विच विल सर्व द डेली पर्पज प्रीटी वेल। डेली पर्पज या डोमेस्टिक पर्पज के लिए गाड़ी बहुत सही है, इसमें आप टॉप स्पीड भी भगा सकते हो, यूटिलिटी का भी लिए व्हीकल को यूज़ कर सकते हो, एंड डोमेस्टिक पर्पज लॉन्ग राइड सब कुछ कर सकते हो, तो बेस्ट ऑलराउंडर मशीन भी बोल सकते हो। दो इट्स एन हैविंग अ 2-valve इंजन, बट ये बजाज ने 2-valve इंजन को इस तरह से ट्यून किया गया है, इसका परफॉर्मेंस तुमको नेक्स्ट लेवल मिलेगा भाई, ऐसा ही कुछ सीन है। चलाने के मामले मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया चला के, एंड थोड़ा यहाँ से घूमते भाई।
डाउन शिफ्ट क्या हो रहा भाई मक्खन की तरह। देखो टर्निंग रेडियस भी ठीक है, क्या परफॉर्मेंस है भाई, सच बोलूँ परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली अच्छा लगा। फीचर्स इसमें कहीं ना कहीं अगर आप बोलोगे तो लैकिंग लग सकता है बहुत लोगों को, बट ये जो कलर है ना भाई जबरदस्त कलर है। N160 इज़ अ चैम्पियन भाई, जिस तरह से ये गाड़ी एक्सलरेट करता है, जिस तरह से ये गाड़ी पावर बनाता है, ज़बरदस्त बात है। तो चलने के मामले में आई थिंक आप देख ही पाओगे क्या स्मूथ लग रहा है भाई गाड़ी। एंड अभी मैं फिफ्थ गियर पे आराम से 7000 RPM कर रहा हूँ, तो आराम से 80-90 का स्पीड होगा, तो 80-90 का स्पीड में भी मैं कॉर्नरिंग ले पा रहा हूँ। तो टायर एंड चेसिस भी इसका बहुत सही है, हैंडल बार का फिटमेंट भी बहुत सही है, क्वालिटी भी मुझे बहुत सही लगा था। वो थ्रॉटल रिंग करते एफर्टलेस पुल कर रहा है, इंजन ब्रेकिंग का साउंड क्या स्मूथ है भाई साहब, सच बोला जाए जबरदस्त साउंड है भाई, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा भाई। तो चलो मोरलेस जो भी पॉइंट्स था मैंने बता दिया भाई N160 का क्यों लेना चाहिए एंड ये कहाँ मार्केट पे स्टैंड करता है। तो मोरलेस इसका कंपटीशन बहुत बाइक्स के साथ है, बट दिस इज़ अ बेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम बजाज एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड रिलायबल बाइक इन टू द सेगमेंट ऑफ 160cc। तो चलो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे एंड आप लोग बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, थोड़ा लव सपोर्ट करो तो और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। एंड एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियोज़ बनाने के लिए, तो थोड़ा लव सपोर्ट करोगे तो और अच्छा रहेगा वीडियोज़ बनाने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।